नमस्कार दोस्तों, अभी अभी महाराष्ट्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतने से ज्यादा सरकार बनाना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ शिवसेना ने सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी का सिर दर्द बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार बनाने के नए समीकरणों को लेकर राज्य में हलचल शुरू हो गई है। इसी राजनीतिक गतिरोध के बीच बड़ी खबर निकल कर आई है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना को समर्थन देने के मुद्दे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। तो कल 170 विधायकों का समर्थन होने का दावा करने के बाद आज शिवसेना राज्यपाल से मिलने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राज्य में हम दोबारा चुनाव के लिए तैयार हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एनसीपी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे जरूर, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या महाराष्ट्र में चल रहे इस तनातनी के बीच शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को मिलकर सरकार का गठन कर लेना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के 12 दिन बाद अब तक नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में सरकार बनाने को लेकर खींचतान के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते रोहित पवार ने भाजपा शिवसेना गठबंधन पर सरकार बनाने में देरी पर कहा है कि एनडीए के सहयोगियों के बीच हालिया झड़प लोकतंत्र का अपमान है। इसको लेकर रोहित पवार ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि वह बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने सवाल भी किया है कि क्या अगर शिवसेना संस्थापक आज जीवित होते तो भाजपा इतनी साहसी होती। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि महाराष्ट्र कई ऐसे महान नेताओं की वजह से धन्य है जिन्होंने लोगों का सम्मान प्राप्त किया है। ऐसे ही एक नेता माननीय बाला साहब ठाकरे थे। उन्होंने आगे लिखा है, मैं कई कारणों से उनका सम्मान करता हूं। उनका कहना है कि एक बड़ा कारण है राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना से सरकार में 50-50 साझे का वादा किया था, लेकिन अब तक भाजपा अपने शब्द के खिलाफ जा रही। उनका कहना है कि इससे यह सवाल उठता है कि क्या बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते तो भाजपा अभी भी इतना साहस दिखा पाती। हालांकि रोहित पवार के इस हमले का जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तक नहीं आया है। महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन मंत्री का कहना है कि हम राज्य में दोबारा चुनाव के लिए तैयार है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन मंत्री एवं धुले से भाजपा नेता जय कुमार रावल का कहना है कि बीजेपी नेता राज्य में दोबारा चुनाव के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना के व्यवहार पर नाराजगी जताई है। हालांकि कहा जा रहा है कि पर्यटन मंत्री की यह अपनी निजी राय है। तो मैं आपको दूसरी तरफ बता दें, इसी बीच सत्ता के नए समीकरणों को लेकर राज्य में हलचल शुरू हो गई है। इसी राजनीतिक हलचल के बीच ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों नेताओं के इस मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष जयंत पाटिल का कहना है कि सोनिया गांधी और शरद पवार की मुलाकात में राजनीतिक विचार विमर्श होगा। साथ ही उनका कहना है कि पवार साहब और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी राज्य में गठबंधन को लेकर दोनों ही पार्टियों के कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने एनसीपी विधायकों के साथ मीटिंग कर राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की थी। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भी शिवसेना को समर्थन देने के मुद्दे पर सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है सोनिया गांधी और शरद पवार की आज मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना को समर्थन देने के मुद्दे पर कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो आपको बता दें कि इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि राज्य में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस और एनसीपी दोनों की तरफ से शिवसेना को समर्थन देने को लेकर बड़े संकेत आ चुके हैं। हालांकि दोनों पार्टियों ने अब तक शिवसेना को समर्थन देने को लेकर खुले तौर पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन इन सबके बीच ही 170 विधायकों का समर्थन होने का दावा करने वाली शिवसेना आज राज्यपाल से मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने का दावा करने वाले शिवसेना नेता संजय राउत ने आज राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। संजय राउत ने बताते हुए कहा कि उन्होंने राज्यपाल से मीटिंग के बारे में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी बताया है। साथ ही संजय राउत का कहना है कि राज्यपाल एक बहुत ही अनुभवी राजनेता रहे हैं और हमें पहले भी उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। आज की मुलाकात को लेकर संजय राउत का कहना है कि हम राज्यपाल से मिलकर उनके सामने अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट बताएंगे और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद भी लेंगे। हालांकि अब तक महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है, लेकिन शिवसेना भारतीय जनता पार्टी पर लगातार मुख्यमंत्री पद के लिए दबाव बना रही है और साथ ही साथ मंत्री पद में भी बराबर का हिस्सा मांग रही है। हालांकि अब तक महाराष्ट्र में सरकार बनाने की दिशा में कोई भी प्रगति नहीं हुई है, लेकिन आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि जहां एक तरफ शिवसेना राज्यपाल से मुलाकात करने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के मुखिया शरद पवार और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच बड़ी मुलाकात होनी है। इन दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर माना जा रहा है कि शिवसेना को समर्थन देने को लेकर आज कुछ न कुछ बड़ा फैसला सामने आ सकता है। हालांकि इन दोनों नेताओं के बीच कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा होती है या तो उनके बैठक समाप्त होने के बाद ही सामने आ सकता है। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, इस पर से पर्दा उठ सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी
प्रतिक्रिया कमेंट कर जरूर बताएं।